हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने आपको जैसे पता ही है कि ये जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही हैं, आज पार्ट 5 है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की का पार्ट 5वां पार्ट है, जिसमें से 4 पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिनमें हमने लगभग 200 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और ये सारे क्वेश्चन हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड वो क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये। अब हम देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का हमारे पास, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर या प्लॉटर। तो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस, यहाँ आपको सिर्फ आउटपुट डिवाइस नहीं दिया हुआ, अगर सिर्फ आउटपुट डिवाइस दिया हुआ होता तो आप देख रहे हो प्रिंटर भी यहाँ पे क्या है, आउटपुट है, प्लॉटर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, लेकिन आपसे पूछा गया प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी मॉनिटर। मॉनिटर आपकी प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कहलाती है। इसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर के मॉनिटर को क्या कहा जाता है। तो मॉनिटर का जो दूसरा नाम है वहाँ पे क्या है, वीडियो, डीवीडी, सीसीटीवी या डीवीयू। तो मॉनिटर का जो दूसरा नाम है वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर डिस्प्ले को और क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जो डिस्प्ले है उसको हम मॉनिटर तो कह ही रहे हैं, मॉनिटर के अलावा वीडियो भी कह रहे हैं, इसके अलावा इसको और क्या कहा जाता है कंप्यूटर के डिस्प्ले को, तो इसको हम कहते हैं वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। कंप्यूटर के डिस्प्ले को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है, तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, VDI के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉनिटर होता है वीडियो, मॉनिटर या जो वीडियो है वो क्या है हमारी, तो ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, इसका वीडियो का क्या मतलब है, तो अभी मैंने आपको बताया था विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, वीडियो की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कोशिश करनी है कि जितने भी ये फुल फॉर्म से रिलेटेड जो मैं टर्म्स आपको बताती हूँ आप एक जगह लिख लिया करो इनको, या मैं कोशिश करूँगी कि एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँ जिसमें ये सारी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है वो आपको प्रोवाइड करवा दूं। इससे रिलेटेड आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, जितने ज़्यादा आपके कमेंट आएंगे तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा आप सब, आपको जितने भी फुल फॉर्म्स पता हैं आपको कमेंट बॉक्स में वो फुल फॉर्म लिखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक इनमें से क्या है एक मानक आउटपुट डिवाइस, इनमें से स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सी है जो विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल्स प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र या यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है जो आपके अलग अलग कलर वाले पिक्सल्स वाले, हजारों पिक्सल्स वाले इमेज है, टेक्स्ट है या कोई भी यूजर इंटरफेस है वो सारे यहाँ पे प्रदर्शित कर सकती है। तो मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है या प्लॉटर है। तो वैसे तो देखा जाए तो आप प्रोजेक्टर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा है स्टैंडर्ड आउटपुट, तो अगर हम स्टैंडर्ड आउटपुट की बात करें तो वो हमारा कहलाता है मॉनिटर। प्रिंटर और प्लॉटर भी आउटपुट है, ये हैं तो चारों आउटपुट, लेकिन आपसे स्टैंडर्ड आउटपुट पूछा है और साथ के साथ ही ये इतने सारे इसकी क्वालिटी भी पूछी है। और ये क्वेश्चन आप देखोगे तो राजस्थान पुलिस में आया हुआ है 2020 में। नेक्स्ट, सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला आउटपुट डिवाइस कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी आउटपुट डिवाइस काम में ली जाती है, तो वो ली जाती है वीडियो को दूसरे नाम अगर देखा जाए तो वो क्या कहलाता है, मॉनिटर। मॉनिटर सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाली आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि बिना मॉनिटर के तो आप कंप्यूटर में कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आपकी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस पूछी जाए तो यही है, आपकी प्राथमिक आउटपुट डिवाइस पूछी जाए तो मॉनिटर है, सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली भी आपकी मॉनिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है क्या, मॉनिटर क्या होता है, स्टोरेज आउट डिवाइस होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है या आउटपुट डिवाइस होती है, तो मॉनिटर आपकी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से कंप्यूटर के लिए कौन सी डिवाइस है जो आउटपुट इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड आपकी इनपुट डिवाइस होती है,
मॉनिटर भी आपका इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन मॉनिटर आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। यहाँ नहीं पूछा था आपको इनपुट डिवाइस देखते ही कीबोर्ड पे क्लिक करके आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ने हैं। तीन आपके इनपुट डिवाइस दिए हुए हैं, एक आउटपुट डिवाइस, उससे ये पूछा कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो मॉनिटर आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डेटा एंटर करने के लिए किया जाता है। ऐसी कौन सा उपकरण है जो दिए गए हैं उनमें से नहीं, पे देखो यहाँ पे गौर करना है, डेटा एंटर करने के लिए जिस उपकरण का काम में नहीं लेते हैं, तो माउस को हम काम में लेते हैं, कीबोर्ड को भी लेते हैं, स्कैनर भी डेटा एंटर करने के लिए ही काम में लिया जाता है, लेकिन मॉनिटर आपको डेटा एंटर करने के लिए नहीं, डेटा को प्रदर्शित, आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मॉनिटर का एक प्रकार है, CRT, LED, LCD, इनमें से आपका मॉनिटर का प्रकार कौन सा है, तो ये आपके तीनों के तीनों ही क्या हैं, मॉनिटर के प्रकार हैं। और इन ये जो मॉनिटर के प्रकार दिए गए हैं, इनका आपसे कई बार जब फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, CRT की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, कैथोड रे ट्यूब। ऐसे ही LCD की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। और LCD की हम बात करें तो LCD की फुल फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ये LCD हो जाएगा। अब अगर हम हमसे यहाँ पे पूछा क्या गया था, निम्न में से कौन सा एक मॉनिटर का प्रकार है, तो ये तीनों के तीनों ही आपके क्या हैं, मॉनिटर के प्रकार दिए गए हैं। LCD की भी आपको याद, CRT की आपके पास कैथोड रे ट्यूब होगी, LED की आपके पास लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगी, और लाइट एमिटिंग डायोड होगी, और LCD की लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगी, तो ये आपकी फुल फॉर्म भी याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इन तीनों के अलावा TFT है, ये भी मॉनिटर का प्रकार है, और PDP, TFT और PDP ये भी आपके क्या हैं, मॉनिटर के प्रकार हैं, तो ये भी आपको याद रख लेने हैं। TFT और PDP की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो TFT आपकी कहलाएगी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और अगर हम इसकी PDP की बात करें तो PDP आपकी कहलाएगी प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल। तो ये आपके पास इन पांचों की फुल फॉर्म बता दी है मैंने, तो आपको याद रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, LCD में तस्वीर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो LCD में अगर हमें इमेज बनानी है तो जैसे इसके नाम से ही हमें पता चलता है, LCD की जो फुल फॉर्म है वो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाती, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो अब नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, लिक्विड क्रिस्टल का यूज कर रहे हैं, तो इसे इमेज बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉनिटर के संबंध में सत्य कथन क्या है। CRT की फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब होती है, अभी मैंने आपको बताई थी। LCD की, LED की क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड होती है। TFT की थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होती है। ये आपके तीनों के तीनों मॉनिटर के क्या हैं, टाइप्स हैं। और आपने देखा कि तीनों ही क्या है, तीनों की फुल फॉर्म ही है, और तीनों के तीनों ये क्या बता रहा है, सही बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीनों ही सही हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, कंप्यूटर प्रयुक्त PDP का पूर्ण रूप क्या है। PDP भी क्या है, मॉनिटर का ही टाइप है, और अभी मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, तो इसकी फुल फॉर्म आपके पास क्या हो जाएगी, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को मापा जाता है।
मॉनिटर का जो डिस्प्ले का आकार होता है, आप देखते हो इस प्रकार से आपका मॉनिटर है, इसका जो डिस्प्ले का आकार है उसको किस प्रकार से मापते हैं, वर्गाकार मापा जाता है, गोलाकार मापा जाता है, डायगनली मापा जाता है या वर्टिकली? तो ना ही तो इसको वर्टिकल नापा जाता है, ना गोलाकार ना वर्गाकार, डायगनली आप देखोगे तो इस तरह से। आप अगर देखते हो कि आपका जो टीवी है, अगर आप टीवी लाते हो तो आप देखते हो ना कितने इंच का है, तो वो कितने इंच का है वो आपको, वो इंच किस अकॉर्डिंग देखते हैं, वो डायगनली नापी जाती है। वो आपको इस तरह से नहीं बताएगा, ना तो इसको वर्टिकल बताएगा ना हॉरिजॉन्टल बताता है, वो आपको डायगनली बताता है। तो इसको किस मॉनिटर के डिस्प्ले का जो आकार है वो किस तरह मापा जाता है, डायगनली मापा जाता है। नेक्स्ट है, मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना क्या कहलाता है? तो मॉनिटर की स्क्रीन का जो झिलमिलाना है वो आपकी फ्लिकरिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फ्लिकरिंग कहलाना, झिलमिलाना, या आप एक तरह से कह सकते हो अस्थिर होना, ये ब्लिंकिंग करता रहता है, ये अस्थिर रहता है, थोड़ा थोड़ा सा आप देखोगे तो ये हिलता रहता है, तो उसको अस्थिर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, हम फ्लिकरिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे HD, SD और VGA आदि शब्द हैं, वो निम्न में से किससे संबंधित हैं? HD हो गया, अब इनकी भी यहाँ पे हम फुल फॉर्म की बात कर लें तो HD हमारे पास क्या हो जाएगा, HD आपके पास हो जाएगा हाई डेफिनेशन। HD की फुल फॉर्म आपके पास हो जाएगी हाई डेफिनेशन। SD की आपके पास हो जाएगी स्टैंडर्ड डेफिनेशन डेफिनेशन। VGA की आपके पास हो जाएगी वीडियो ग्राफिक एरे। तो ये पहली बात, तो आपको इनमें से किसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब हाई डेफिनेशन या HD, SD या वीडियोग्राफिक एरे हैं, ये टर्म्स हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? गुणवत्ता प्रदर्शन क्वालिटी से रिलेटेड हैं, ध्वनि से मतलब साउंड की क्वालिटी से रिलेटेड हैं, मतलब वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड हैं, साउंड से रिलेटेड हैं, मेमोरी से रिलेटेड हैं, या प्रोसेसिंग पावर से रिलेटेड हैं, किस तरह से, प्रसंस्करण शक्ति से रिलेटेड है। तो ये आप देखोगे, अगर हम वीडियो देख रहे हैं, आप अभी भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे किस क्वालिटी में देख रहे हो, HD क्वालिटी में देख रहे हो। ज़्यादातर अगर हमें अच्छा सा देखना होगा तो हम वीडियो की क्वालिटी देखेंगे, तो ये प्रदर्शन की क्वालिटी है इसको बताता है। आपके पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए है, ये प्रदर्शन की जो क्वालिटी है, ये तीनों की तीनों टर्म इसी से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, मॉनिटर से संबंधित हैं पिक्सल्स, रिजोल्यूशन, हार्ड कॉपी और वीडियो। इनमें से मॉनिटर से संबंधित कौन सी टर्म है? तो आप देखोगे कि पिक्सल्स है, ये आपकी मॉनिटर से संबंधित है, रिजोल्यूशन है, ये भी आपकी मॉनिटर से संबंधित है, हार्ड कॉपी ये मॉनिटर से संबंधित नहीं है, वीडियो है ये भी आपकी क्या है, मॉनिटर से संबंधित है। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें कि पिक्सल्स क्या होती है, पिक्सल्स होती है कि हमारी जो मॉनिटर की स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन पर बनने वाली जो भी इमेज है, वो सारी इमेज क्या है, छोटे छोटे डॉट से मिलके बनी हुई होती है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, अगर मैं यहाँ पे 8 लिखती हूँ तो ये इस तरह से डॉट से मिलके इमेज बनी हुई होती है, और ये डॉट इतने नज़दीक होते हैं कि हमें पता नहीं लगता है। जितने ये डॉट नज़दीक होंगे, या हम कहें कि इन डॉट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, हमारा रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, पिक्सल्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही हमारी इमेज है वो हमें स्पष्ट दिखाई देगी, क्लियर दिखाई देगी। तो ये तो हुआ हमारा पिक्सल्स क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन जो टर्म आपके पास दी हुई है, ये क्या है? रिजोल्यूशन क्या होता है कि हमारे पास, जैसे ये हमारा मॉनिटर की स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें कि पिक्सल्स की संख्या है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे आपके 3 लिख रही हूँ, 3 जैसे मैंने लिखा, तो इसमें वर्टिकली तो कितने डॉट्स आए हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टली कितने आए हैं और वर्टिकली कितने डॉट्स आए हैं, तो इन डॉट्स का जो गुणनखंड है, उनको आप हम इनका गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे जो टोटल संख्या आएगी वो हमारी क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन कहलाती है। रिजोल्यूशन हमारे पास, रिजोल्यूशन की अगर हम मेजरमेंट की बात करें, इसका मेजरमेंट किस में करते हैं, तो इसको हम DPI या PPI फॉर्मेट में इसका माप करते हैं।
अब आप पूछोगे कि BPI या DPI क्या है, तो DPI होता है डॉट पर इंच और PPI आपका होता है पिक्सल्स पर इंच। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए आप मॉनिटर की या वीडियो की क्वालिटी या रिजोल्यूशन है उसको आप मेजर किस तरह से करते हो, इसको मापने का क्या किस तरह से मापते हो, तो वो आप DPI या PPI फॉर्मेट में मापते हो। DPI आपकी होती है डॉट पर इंच, PPI होती है पिक्सल्स पर इंच। डॉट्स जो हैं आपके, इन्हीं को तो आप एक तरह से क्या कह रहे हो, पिक्सल्स कह रहे हो। नेक्स्ट आपके पास है VDU। वीडियो यहाँ पे ये क्या दिया, ये तो आपके मॉनिटर का ही नाम है, इसी को ये आपने विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, तो ये तीनों के तीनों मॉनिटर से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड। सेकंड आप देखोगे क्योंकि इसमें आपका थर्ड नहीं दिया हुआ है सेकंड में, बाकी इसमें थर्ड दिया हुआ ये नहीं होगा, इसमें दो ही दिए हुए हैं, इसमें भी आपका थर्ड दिया हुआ है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से डिस्प्ले डिवाइस की क्वालिटी से संबंधित है। डिस्प्ले डिवाइस की जो क्वालिटी है वो किससे संबंधित है, रिजोल्यूशन से, रिफ्रेश रेट से, डॉट पिच से, या उपरोक्त सभी से। तो इनमें आप देखोगे तो जो डिस्प्ले डिवाइस की जो क्वालिटी है वो किससे संबंधित हो जाएगी, तो ये इन सारे के सारे रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और डॉट पिच सभी इससे संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी। रिजोल्यूशन हमने अभी देखा था, रिजोल्यूशन क्या है कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो भी हमारे पास पिक्सल्स हैं उनका जो गुणनफल है, या हम कहें जो डॉट्स हैं उनका जो गुणनखंड है, वो हमारा क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन कहलाता है। और रिजोल्यूशन को हम DPI या PPI में मेजर करते हैं, डॉट पर इंच या पिक्सल्स पर इंच में। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट क्या होता है, हमारी स्क्रीन पे जो भी पिक्चर मौजूद है उस पिक्चर को रिफ्रेश करने की जो दर होती है वो हमारी कहलाती है रिफ्रेश रेट। और रिफ्रेश रेट को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, इसको किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें डॉट पिच की। डॉट पिच हमारे पास क्या है कि दो पिक्सल्स हैं, हमारे पास जो दो पिक्सल्स दिए हुए हैं इन दोनों पिक्सल्स के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, दो डॉट दिए हुए हैं या दो पिक्सल्स हैं उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी हमारी क्या कहलाती है, पिक्सल्स कहला, डॉट पिच कहलाती है। डॉट पिच को अगर हम बात करें तो और किस नाम से जाना जाता है, तो ये लाइन पिच के नाम से भी जानते हैं इसको। इसके अलावा डॉट पिच, लाइन पिच, इसके अलावा आप इसको फोस्फर पिच या स्ट्राइप पिच के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी इसके अलग अलग नाम अगर दिए हो, डॉट पिच की जगह अगर आपसे स्ट्राइप पिच दिया हुआ हो या फोस्फर पिच या लाइन पिच दिया हो, तो आप समझ सकते हैं कि डॉट पिच के ही ये दूसरे नाम हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डॉट्स का जो विन्यास है, विन्यास किसको कहते हैं, लेआउट को, सॉरी, डॉट्स का जो विन्यास या लेआउट है, लेआउट के द्वारा मॉनिटर पर निर्मित इमेज भी कहलाती है। अगर डॉट्स के द्वारा हमने जो विन्यास बनाया है उसके द्वारा मॉनिटर पर जो भी हमारी इमेज बन रही है वो हमारी इमेज क्या कहलाती है, तो ये हमारी कहलाती है पिक्सल्स, ये हमारी क्या कहलाती है, पिक्सल्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हम जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हो, जैसे एस लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से लिखोगे, तो डॉट से लिख के, अब ये डॉट जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे, अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इस तरह से मिला हुआ दिखेगा, तो वो आपकी एक इमेज बन गई। तो ये आपके पास लेआउट, ये जो डॉट्स का जो लेआउट है वो आपकी क्या कहलाती है, पिक्सल्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक पिक्सल्स होता है, एक पिक्सल्स है वो होता क्या है, पिक्सल ग्राफिक डिस्प्ले डॉट होता है, या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज कोई इमेज होती है, या डिस्प्ले पर बने तस्वीर का एक छोटा भाग होता है, या ए और सी दोनों ही होते हैं। तो हमारे पास जो पिक्सल्स है वो होता क्या है, ये ग्राफिक्स डिस्प्ले के जो डॉट्स हैं उनको भी हम पिक्सल्स कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डिस्प्ले पर बने तस्वीर का जो सबसे छोटा भाग होता है वो भी हमारा क्या कहलाता है, पिक्सल्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ बात करें तो पिक्सल्स किन के साथ जुड़ा होता है, ग्राफिक्स के साथ, साउंड के साथ, बाइट्स के साथ, या CPU के साथ, पिक्सल्स हैं वो किन के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ये ग्राफिक्स के साथ जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पिक्सल्स की वह संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन
वेल एडजस्ट कर सकती है, उसे हम निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो पिक्सल्स की वो संख्या जो डिस्प्ले को एडजस्ट कर सकती है वो हमारी क्या कहलाती है? रिजोल्यूशन। पिक्सल्स की वो संख्या जिसे डिस्प्ले स्क्रीन है वो वेल एडजस्ट कर सकती है, समायोजित कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या है हमारे पिक्सल्स में? जैसे वर्टिकल और हॉरिजेंटल जितने भी डॉट्स हम यूज में लिए उन सबका जो कैलकुलेशन है, सबका गुणनखंड है, वो हमारी रिजोल्यूशन कहलाता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, अगर अभी जैसे मैंने बताया था कि जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे या जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या होगा? उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, और रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो हमारी इमेज है वो क्लियर दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी। तो रिजोल्यूशन ज़्यादा होने का मतलब क्या है? पिक्सल्स आपके क्या हैं? बड़े हैं, पिक्सल्स आपके ज़्यादा हैं। सॉरी, पिक्सल्स बड़े नहीं, पिक्सल्स आपके नज़दीक हैं, ज़्यादा होने का मतलब है। अब आपको ऑप्शन ढंग से देखना है, पिक्सल्स बड़े होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, तो स्क्रीन तो कम साफ नहीं होगी, ज़्यादा साफ होगी। पिक्सल्स के अलावा तो ये भी आपके पास गलत है, पिक्सल्स नज़दीक होंगे, पिक्सल डॉट जितने ज़्यादा हैं तो मतलब पिक्सल्स के आपके नज़दीक नज़दीक है, नज़दीक है इसका मतलब इमेज आपकी क्लियर दिखाई देगी, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा उतना उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? पिक्सल्स उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी, पिक्सल्स और अधिक अलग अलग हो जाएंगे, या पिक्सल्स के साथ एक साथ पास पास हो जाएंगे। अब मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास क्या होंगे? पिक्सल्स भी बढ़ेंगे, पिक्सल्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतने ही हमारा रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो एक दूसरे के ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है, डॉट पिच जितनी कम होगी तस्वीर उतनी ही, कोई अगर हमारे पास डॉट पिच है वो जितनी कम होगी, डॉट पिच होती क्या है? दो डॉट्स के बीच की जो दूरी है या दो पिक्सल्स के बीच की जो दूरी है वही हमारी क्या कहला रही है? डॉट पिच कहला रही है। तो डॉट पिच आपकी जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही आपका क्या होगा? इस इमेज है वो ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मॉनिटर की हॉरिजेंटल और वर्टिकल लंबाई का हॉरिजेंटल लंबाई से जो संबंध है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा जो मॉनिटर है, मॉनिटर में आप देखोगे इस तरह से ये मॉनिटर है, मॉनिटर की वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो लेंथ है उनका जो रिलेशन है वो आपका क्या कहलाएगा? डॉट पिच कहलाएगा, रिजोल्यूशन कहलाएगा, एस्पेक्ट रेशियो कहलाएगा, या साइज कहलाएगी। तो इनका जो रेशियो है ये आपका कहलाता है वर्टिकल, और इसका एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है। आप देखोगे कि इसका जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल का जो रेशियो है ये एस्पेक्ट रेशियो कहलाता है, और एक टीवी का, कंप्यूटर का आप अगर एस्पेक्ट रेशियो की बात करते हो तो जनरली आपका एस्पेक्ट रेशियो है वो 16:9 की फॉर्मेट में यूज किया जाता है। 16:9 से आप क्या देखोगे कि वर्टिकली आपने कितना लिया है? 16 लिया है। हॉरिजेंटली आपने कितना लिया है? 9 लिया। तो 16:9 आप अगर अभी वीडियो देख रहे होंगे तो YouTube पे अगर ये वीडियो भी देख रहे हो तो ये YouTube का जो वीडियो देखने का ये जो वीडियो बनाते हैं इसका जो रेशियो होता है वो भी 16:9 ही होता है। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा, लंबवत बिंदु के क्षैतिज बिंदु के अनुपात और इसके विपरीत को क्या कहा जाता है? तो एस्पेक्ट रेशियो ही कहा जाता है। वापस से वही बात, क्वेश्चन अलग एग्जाम, ये आपका क्वेश्चन देख रहे हो IA में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट टर्म है ये, आपको इसका रेशियो भी याद रखना है कितना होता है एस्पेक्ट रेशियो, होता है कितना? तो 16:9 होता है। नेक्स्ट है, एक सफ़ेद दीवार पर कंप्यूटर की छवि प्रदर्शित की जाती है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आपके पास एक वाइट दीवार है और आपने जो भी आपके कंप्यूटर में जो इमेज है आप उस इमेज को उस दीवार पे दिखाना चाहते हो, तो वो आपकी क्या, जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी पे क्या दिखा, वो एक दीवार पे ही तो आपको दिख रहा है सब कुछ, तो वो दीवार पे किस वजह से दिखता है? वो आपका प्रोजेक्टर की वजह से दिखता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, आप प्रोजेक्टर से कनेक्ट करके जो भी इमेज जो कुछ भी आपके कंप्यूटर में है उस सबको आप दीवार पे दिखा सकते हो। बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो वो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का ही यूज किया जाता है बड़ी संख्या में देखने के लिए। नेक्स्ट है, एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के समूह को एक वीडियो दिखाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? तो वो प्रोजेक्टर हो जाएगा।
देखो एक ही क्वेश्चन है, ये अलग अलग एग्जाम में किस किस तरह से पूछा गया है। प्रोजेक्टर एवं अन्य वीडियो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाली जो टेक्निक है वो टेक्निक आपकी क्या कहलाती है? तो ये टेक्निक आपकी कहलाती है DLP। DLP होता क्या है ये यहाँ पे DLP। DLP की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा आपका डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है उसी को हम कहते हैं DLP। प्रोजेक्टर जिस टेक्निक का यूज करता है वो टेक्निक हमारी कहलाती है DLP, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है MPEG का पूरा नाम क्या है? MPEG की फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाएगी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ये आपके पास दिया ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD जो है, CAD में आप 2D और 3D ग्राफिक्स बनाते हैं। तो 2D और 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए जो प्रोसेसर काम में लेते हैं वो कौन सा प्रोसेसर काम में लिया जाता है? तो बीटा प्रोसेसर काम में लिया जाता है CAD में 2D और 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित परिणाम के द्वारा कागज पर प्राप्त होता है। तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में अगर आप कोई भी परिणाम को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो किसके द्वारा आपके कागज पर प्राप्त मिलेगा आपको? प्रिंटर और मॉनिटर के द्वारा। तो प्रिंटर से तो आप कागज पर ले सकते हो लेकिन मॉनिटर से नहीं ले सकते हो, सॉरी ऑप्शन मैंने गलत देख लिए हैं, इसके ऑप्शन देखने। सॉफ्ट कॉपी के रूप में दर्शित परिणाम है वो किसके द्वारा कागज पे है? तो प्रिंटर और मॉनिटर। तो इसमें मॉनिटर के द्वारा आप नहीं देख सकते हो, प्रिंटर से देख सकते हो। इसके अलावा मॉनिटर और प्लॉटर, इसमें भी मॉनिटर आएगा, इसमें भी मॉनिटर। तो आप इन तीन में आप देख रहे हो मॉनिटर आ गया, जिन जिन में मॉनिटर आया वो तो नहीं होगा, जो बच गया जिसमें मॉनिटर नहीं आया प्रिंटर और प्लॉटर, दोनों के दोनों आप कागज पर प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस जबकि एक हार्ड कॉपी, इनमें से सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कौन सी और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस? देखो सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है और हार्ड कॉपी, जो भी जैसे आप कंप्यूटर में मूवी देख रहे हो या अभी यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो ये देख अभी आप इसी में देख रहे हो तो ये तो आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी। आप जैसे आप PDF है वो मोबाइल में पढ़ रहे हो तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी, लेकिन उसी PDF को आप प्रिंटर से या प्लॉटर से प्रिंट आउट निकाल के कागज पे फिर आप पढ़ रहे हो तो वो आपकी क्या होगी? हार्ड कॉपी होगी। तो इनमें से प्रिंटर क्या है आपका? हार्ड कॉपी है। और मॉनिटर आपकी क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। लेकिन आपसे यहाँ पहले क्या पूछा है? सॉफ्ट कॉपी पूछा है। तो जहाँ पहले मॉनिटर होगा, सेकंड ऑप्शन में आपने देखा मॉनिटर पहले है प्लॉटर बाद में है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। प्लॉटर आपकी हार्ड कॉपी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपकी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है इनमें से क्या एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएँ खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है? डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रिम प्रिंटर, प्लॉटर या चैन प्रिंटर। तो इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है जो आपका लाइनें खींचने के लिए या रेखाएं खींचने के लिए पेन का प्रयोग करता है? तो ये आपके पास हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर जो है वो पेन का प्रयोग करता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कुंजी पटल कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है, स्टाइलस भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है प्रिंटर होता है, प्रिंटर क्या होती है? एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रिंटर आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, माउस या वेबकैम? इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो वेबकैम आपकी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, आपका प्रिंटर है ये आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिंटर जिसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है, इनमें से कौन सा प्रिंटर है जिसमें आप टोनर का प्रयोग करते हैं? तो ऐसा कौन सा प्रिंटर हो जाएगा? इम्पैक्ट है, डॉट मैट्रिक्स है, लेजर या इनमें से कोई भी नहीं। तो लेजर प्रिंटर जो है इसमें टोनर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप क्या यूज करते हैं? एक कार्ट्रिज यूज करते हैं, उस कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर का प्रयोग करते हैं जिसमें ये स्याही का पाउडर डाला जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर है वो कंप्यूटर से संबंधित सूखा स्याही पाउडर प्रयोग करता है? तो हमने अभी देखा
ये लेजर प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर से संबंधित सूखा पाउडर है वो यूज करता है, कार्ट्रिज यूज करते हैं और उसमें सूखा पाउडर डालते हैं। नेक्स्ट है ये देखो डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटर की पहले बात कर लें जिससे कि आपके ये सारे क्वेश्चन सोल्व होने थोड़े आसान हो जाएंगे, तो प्रिंटर जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सीरियल और एक होता है लाइन, लाइन प्रिंटर। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट में अगर हम देखें तो इंकजेट हो गया, इंकजेट प्रिंटर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके अलावा थर्मल प्रिंटर जो है ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जो आपका है ये भी आपका लाइन प्रिंटर, ये सॉरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगर हम सीरियल प्रिंटर की बात करें तो सीरियल प्रिंटर में आपका डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स जो है, दोनों डीडी से याद रख लेना, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स हैं, ये दोनों के दोनों सीरियल प्रिंटर हैं। लाइन प्रिंटर की अगर हम बात करें तो चैन हो गया, चैन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया और बैंड प्रिंटर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, लाइन प्रिंटर हैं। तो आई थिंक अब आपको थोड़े से ये क्वेश्चन है वो करने में आसानी हो जाएगी कि प्रिंटर है वो मेनली दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लाइन प्रिंटर और सीरियल प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील आ गई। लाइन प्रिंटर में आप देखोगे तो अगर लाइन प्रिंटर की अगर आप बात करोगे तो इसमें चैन प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया और बैंड प्रिंटर हो गया। नॉन इम्पैक्ट की बात करोगे तो इंकजेट हो गया, थर्मल हो गया, लेजर हो गया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंकजेट, थर्मल और लेजर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं कौन से नहीं, इससे ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करते हैं हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर कंप्यूटर से संबंधित सूखाशय, ये हमारा हो गया था लेजर प्रिंटर था। नेक्स्ट हो जाएगा डेस्कटॉप छपाई के लिए आम तौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, तो डेस्कटॉप की छपाई के लिए हम किसका यूज करते हैं, लेजर प्रिंटर का यूज करते हैं, ज़्यादातर हम लेजर प्रिंटर का ही यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर है या डॉट मैट्रिक्स है। तो लेजर प्रिंटर आपका किस प्रकार का प्रिंटर है, तो ये पेज प्रिंटर है, लाइन लाइन टू लाइन प्रिंट नहीं करता है ये, एक साथ में लेजर प्रिंटर क्या करता है, एक साथ में एक पेज को प्रिंट कर देता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, पेज प्रिंटर कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, लेजर प्रिंटर का प्रयोग कैसे करते हैं, एक कारतूस कार्ट्रिज लेते हैं और उसमें पाउडर युक्त टोनर का यूज किया जाता है लेजर प्रिंटर में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस प्रकार का प्रिंटर है वो किसी पृष्ठ पर मुद्रित किया जाने वाले डॉट्स के निर्माण के लिए, अक्षर बनाने के लिए आवश्यक प्रकाश का प्रयोग करता है, तो डॉट्स बनाने के लिए या इमेज बनाने के लिए जो लाइट का प्रयोग करता है, प्रकाश का प्रयोग करता है, वो कौन सा है, लेजर प्रिंटर है। नेक्स्ट है आप देख रहे हो कि लेजर प्रिंटर कितना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिंटर, इनमें से कौन सा प्रिंटर है वो फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकारने के लिए लेजर लाइट बीम का प्रयोग करता है, तो लेजर लाइट बीम का प्रयोग कौन करता है, लेजर प्रिंटर ही करता है। नेक्स्ट हो जाएगा एक इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर जो प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करता है वो क्या कहलाता है, तो टाइप तो क्या दिया है, इम्पैक्ट दिया है, लेकिन वो एक डॉट को है वो प्रिंट करता है, प्रत्येक अक्षर को डॉट के जरिए प्रिंट करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इंकजेट प्रिंटर। तो ये आपको पता है इंकजेट प्रिंटर जो है ये तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसके अलावा लाइन प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है,
सॉरी लाइन प्रिंटर नहीं, लेजर प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर तो आपको पता है पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है, लेकिन यहाँ तो प्रत्येक अक्षर को प्रिंट करने वाला कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वो डॉट्स की फॉर्म में। वैसे तो आप यहाँ देखोगे कि डॉट के जरिए कर रहा है तो डॉट मैट्रिक्स ही है, अगर कोई किसी का नहीं भी पढ़ा होगा तो भी हो जाएगा ये। तो एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है या डेजी व्हील प्रिंटर है। तो इनमें से आप देखोगे तो कौन सा है, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट, ये तो तीनों के तीनों कौन से हो गए, नॉन इम्पैक्ट हो गए। और डेजी व्हील प्रिंटर आपका क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से निम्न में से कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है। तो इनमें से लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो आपसे पूछा गया इनमें से अलग कौन सा है, तो आपको पता है इंकजेट और ये नॉन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो टाइप हैं। नॉन इम्पैक्ट में आपका कौन सा आ गया, इंकजेट है, वो नॉन इम्पैक्ट में आया, लेजर भी नॉन इम्पैक्ट है, थर्मल भी नॉन इम्पैक्ट है, बचा कौन सा, डॉट मैट्रिक्स, ये कौन सा है, ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। तो इस वजह से ये क्या हो गया, आपका अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका अलग है। तो आई थिंक आपको अच्छे लग रहे होंगे वीडियो, पीछे के वीडियोस पे जो लाइक और कमेंट आए हैं वो अच्छे आए हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। आपको अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा हो और तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना और आपके उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।